नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, आज सुबह सुबह भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है और वो दुखद खबर जो है वो तमाम भोजपुरिया दर्शकों को, भोजपुरिया फैंस को सदमे में पहुंचा देगी। जी हाँ, बात करें तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले बिहार के कैमूर में एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें हमारे 8 होनहार कलाकारों ने दम तोड़ दिया था और इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री गमगीन था। लेकिन एक और बड़ी खबर और वैसे ही बुरी खबर जो है वो आप सभी के बीच सामने आ चुकी है। जी हाँ, बात करें तो भोजपुरिया टनाटन, जी हाँ, भोजपुरिया टनाटन यूट्यूब चैनल चलाने वाले छोटू बाबू, जी हाँ, भोजपुरिया टनाटन जिसके सब्सक्राइबर तकरीबन 1.5 लाख हैं और उसके संचालक थे छोटू बाबू, वो अब उस दुनिया में नहीं हैं, यानी कि उनका निधन हो गया है। तो अब इस निधन पर पूरा भोजपुरी समाज जो है वो कहीं ना कहीं दुखी है और उनके जाने का गम जो है वो हर लोगों को नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो उनका कंडीशन जो है अचानक से ख़राब हो गया और जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि उनका जो है हार्ट अटैक आ गया था, यानी कि हार्ट अटैक की वजह से छोटू बाबू जो हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं। टेम्बा हॉस्पिटल जो मुंबई में है वहाँ पर उनको एडमिट कराया गया था, लेकिन एडमिट होने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ रखा था। यानी कि छोटू बाबू जो हैं वो हार्ट अटैक से इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं और इसको लेकर तमाम लोग जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो भोजपुरिया टनाटन के जो खेसारी यादव का बर्थडे था, उस बर्थडे की जन्मदिन की जो तमाम वीडियोस थी वो वहाँ पे डाले हुए थे। इसके अलावा वो भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के भी कई सारे इंटरव्यू लिए हैं और भोजपुरी के तमाम कलाकार हैं जिनका वो इंटरव्यू ऑलरेडी ले चुके हैं। लेकिन अब जो है दुखद खबर ये आ रही है कि वो अब किसी का इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे क्योंकि हार्ट अटैक से जो है उनका निधन हो गया है। और इसकी जानकारी फिल्म के PR संजय भूषण पटियाला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया है। तो अब क्या ही कह सकता है आदमी। खबर ये भी आ रही है कि उनके चैनल पे एक स्ट्राइक की वजह से वो परेशान थे, ऐसा ग्रुप में लिखा जा रहा था। अब वजह क्या थी, लेकिन हार्ट अटैक तो किसी को भी आ सकता है, वजह क्या थी पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी दुखद खबर यह है कि भोजपुरिया टनाटन यूट्यूब के संचालक छोटू बाबू इस दुनिया में नहीं है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिजनों को सहन शक्ति दे। बाकी आप लोग इस चैनल को कितना देखते थे, छोटू बाबू आपको कैसे लगते थे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइए। धन्यवाद।